क्या आपने कभी सोचा है कि मैट्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का कारीगर। चलिए आज हम मैट्रिक्स के ऊपर कुछ रोशनी डालते हैं जो कि मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और हमारे रियल वर्ल्ड के ताने बाने में बुना हुआ है। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है? सीधे अल्फाज में मैट्रिक्स रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है। इमेजिन कीजिए बड़े परिवार का एक डिनर टेबल जिसमें डिफरेंट डिशेज डिफरेंट पोजीशन पर रखी गई हैं। हर डिश एक नंबर को डिनोट करेगा जो कि मैट्रिक्स के बनाव से मेल खाता है। मैट्रिक्स के पास कितने भी रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं और इनका साइज इन्हीं नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम से डिफाइन किया जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मैट्रिसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिक्स और बीटेक मैथमेटिक्स दोनों में मैट्रिसेस पढ़ने हैं और बीटेक में दोनों में मैट्रिसेस पढ़ना है तो ये मैट्रिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है आपको मैट्रिक्स देखने को यहाँ पर मिल जाएगा या फिर आप इसको एप्लीकेशन में जाकर के चेक कर सकते हैं। M2 डिप्लोमा का कोर्स, इसमें मैट्रिसेस आपको पढ़ने हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं, मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? Well, बहुत सारे क्षेत्र में मैट्रिक्स अपनी भूमिका निभाता है। इंजीनियर्स उन्हें लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हल करने के लिए यूज करते हैं, इकोनॉमिस्ट उन्हें इकोनॉमिक मॉडल बनाने के लिए यूज करते हैं और फिजिसिस्ट इन्हें पार्टिकल के बिहेवियर को समझने के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन में भी मैट्रिक्स एक अनजान हीरो की तरह है जो कि 3D मॉडल के ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन को इनेबल करता है। मैट्रिक्स की ब्यूटी इसकी सिंपलिसिटी और वर्सिटिलिटी में है। मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव को ले लीजिए तो जोड़ घटाव में जो दो मैट्रिक्स जोड़े या घटाए जाते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जोड़िया घटा दिए जाते हैं, जबकि अगर हम बात करें गुणा का तो वो यानी मल्टीप्लिकेशन का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो कि रो और कॉलम के एक प्रोसेस से मिलकर के बना होता है। मैट्रिक्स के इन्वर्जन कॉन्सेप्ट को ले लीजिए जो कि बेसिक अरिथमेटिक में रेसिप्रोकल के थॉट की तरह होता है जो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का एक फंडामेंटल है। लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट और सोल्व करने में भी मैट्रिक्स कारगर होता है। सोचिए कि कई इक्वेशन कई वेरिएबल के साथ हैं, इन इक्वेशन को एक एक करके हल करने के बजाय उन्हें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है और उन्हें एक साथ हल किया जा सकता है जिससे कि टाइम और एफर्ट दोनों बचाया जा सके। तो समराइज करते हैं, हमने मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंस से प्रश्न शुरू किया था, फिर मैट्रिक्स के डिनोटेशन में चले गए, फिर इनके नंबर्स के अरेंजमेंट को देखा, रो और कॉलम को देखा, बने बड़े से डिनर टेबल पर ढके हुए डिश की तरह होता है, हमने देखा कैसे मैट्रिक्स को जो है डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियर से लेकर इकोनॉमिक से लेकर फिजिसिस्ट से लेकर के कंप्यूटर ग्राफिक तक, और हमने इसके ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना गुणा इन्वर्जन वगैरह सब देखा, और आखिरी में हमने हाईलाइट किया था कि मैट्रिसेस कैसे लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करता है। इसलिए अगली बार जब आप एनिमेशन फिल्म देखें या किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखें तो याद रखें इस हम्बल मैट्रिक्स को जो चुपचाप हमारे चारों ओर दुनिया को बदल रहा है।